आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल एसआर सचिन एसआर में। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ये इंडिकेटर जो कि दो कलर में जलते हैं। मतलब ये जो किनारे किनारे आप बॉर्डर देख रहे हैं ये 7 कलर्स में जलता है, और ये जो बीच में है ये येल्लो येल्लो जो इंडिकेटर का रंग होता है उस कलर में जलते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि इसकी वायरिंग कैसे करनी है। तो वायरिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास होंगे 3 वायर, जो कि दो जो है इंडिकेटर में जाएंगे और जो एक रहेगा प्लस पॉइंट जो हमारे जो बैक लाइट रहती है उससे कनेक्ट होंगे। तो ये जब जैसे ही आप ब्रेक दबाएंगे और अपने आप ये जो बॉर्डर हैं ये जलने लगेंगे। तो और ये बहुत ही मजबूती में है, ये स्टेबल रहते हैं एकदम, टूटने वाला कोई दिक्कत नहीं। ये देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए इसमें टूटने वाली कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही स्टेबल रहते हैं। और अभी आप एक बात और जान लीजिए, मैं अपनी TVS Victor मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। और आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने TVS Victor कैसे बनाने वाला हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फर्स्ट अलॉय व्हील खुल चुके हैं और ये पेंट होने के लिए गए हुए हैं, और जो पीछे का बैक अलॉय व्हील है वो भी पेंट होने के लिए, जब आगे वाला लग जाएगा तो पीछे वाला खोल करके ले जाया जाएगा। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप शीशे में लाइट लगी हुई है और हैंडल बार लाइट भी लगी हुई है। और आपको मॉडिफिकेशन के लिए आपको मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को पूरा देख करके आप अपने इंडिकेटर जो है जो टूटे हुए हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हाँ, मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ कि ये जो है इंडिकेटर है, ये जो TVS Victor में लगे हुए हैं ये देख पा रहे होंगे आप, ये बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। और टूटने के बाद ये बहुत ही महंगे हैं, मतलब जो छोटी मोटी दुकान है जैसे हीरो हांडा वांडा की जो दुकानें रहती हैं उस पर तो हीरो हांडा के इंडिकेटर मिल जाते हैं, लेकिन TVS Victor के बहुत ही इंडिकेटर महंगे हैं, कम से कम 150 रुपये का एक। कितना? 150 रुपये का एक। तो अभी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ये जो हैं दोनों 250 रुपये के हैं, लेकिन आपके बहुत ही बढ़िया लुक देने वाले हैं। तो आप जरूर से जरूर, मैं सजेशन करता हूँ कि आप यही इंडिकेटर लगाएं। इसमें और भी हैं, मैं वीडियो के एंड में इनकी इमेज डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा देखिएगा। We'll be right back.
जी आप देख सकते हैं मैंने सारे बोल्ट खोल लिए हैं अच्छी तरीके से। अब इंडिकेटर फिटिंग करने की बारी आ गई, तो चलिए शुरू करते हैं। देख पा रहे होंगे एक तरफ का इंडिकेटर फिटिंग कर चुके हैं, अब दूसरी तरफ का फिटिंग करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि कैसे इसको फिट करना है। आपको कुछ करना नहीं है, केवल इसका स्क्रू खोल करके इसमें फिट करना है। तो आगे देखते हैं।
हाँ तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वायरिंग डायग्राम। तो वायरिंग डायग्राम तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर तीन वायर इंडिकेटर के आ रहे थे, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और जो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो है ये सारे इंडिकेटर के पहले से दे रखे थे पोर्ट। जैसे कि ये ब्लैक वाला न्यूटन था और ये जो प्लस वाले हैं ये अलग अलग रंग के हो सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे जैसे आपने इंडिकेटर के वायर निकाले हुए थे वैसे ही वैसे आपको लगा देना है इनके भी वायर, जो ब्लैक और रेड वाला रहता है वो इंडिकेटर का रहता है, और जो ब्लू वाला है ये आप कहीं पर भी ज्वाइन कर देंगे। अगर ये जो व्हाइट वाली वायर आ रही है आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, ये जो व्हाइट वाली वायर है ये अगर आप जैसे ही ब्रेक दबाएंगे तो इंडिकेटर जलने लगेंगे, और जो ये भूरी वाली वायर है ये आपके पार्किंग के साथ हो जाएगी, और ये जो ब्लैक वाली है माइनस पॉइंट की है, इस वजह से आप इसमें ना जोड़ें। और इन दोनों में आप किसी में भी जोड़ देंगे तो आपके ये जो बॉर्डर था इंडिकेटर का वो जलने लगेगा। तो आपको ऐसे ही वायरिंग डायग्राम करनी है, और जैसे आप इसमें से निकालेंगे वैसे ही लगा देना है। आपको इसमें कुछ नहीं छेड़खानी करनी है, केवल जो ये जो दो ब्लू वायर आ रही थी इनको ले जा करके आपको जिसमें भी आपको ज्वाइंट करना हो उसमें कर दीजिएगा, दोनों ही चलने लगेंगे। और खास करके ध्यान दें, ब्लैक वाले में नहीं छुआना है, अगर प्लस पॉइंट होगा तो ब्लैक वाले में नहीं छुआना है हम लोगों को, और ये जो ब्लैक वाला रहता है ये माइनस पॉइंट रहता है, जैसे ही आप छुएंगे तो दोनों शॉर्ट कर जाएगा, तो आपको उसमें नहीं छुआना है। और बाकी में छुआ करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपके साथ हो रहा है, तो आप वैसे ही कनेक्ट कर दें। अच्छी लगी आपको ये वीडियो, आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे जो इसके जो पीछे जो इमेज मैंने लगाई है उसको जरूर देखें। आपको कौन सा इंडिकेटर पसंद आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं उसकी वीडियो बना के आपको दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.